चमचमाती लाइट्स, बड़े बड़े रंग बिरंगे लाइट्स के बोर्ड और इसे बनाने में लगे कारीगर। ये तस्वीर है हुगली संसदीय क्षेत्र के चंदननगर विधानसभा की। टीएमसी के इंद्रनील सेन यहाँ से विधायक हैं। चंदननगर इलाका इन रंग बिरंगी लाइट्स के झालर और बोर्ड के लिए सिर्फ बंगाल में ही नहीं पूरे देश में मशहूर है। लेकिन आजकल बाजार में सस्ती चाइनीज लाइट्स के आने से बंगाल के इस पारंपरिक लाइट की रोशनी थोड़ी कम पड़ गई है। चंदननगर की पहचान इन लाइट्स के चकाचौंध से दूर इलाके की एक तस्वीर और भी है, जिसे देख हमें ये एहसास हुआ कि यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में अब तक रोशनी नहीं आई है। यहाँ लोग बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इस बस्ती में हर तरफ गंदगी का आलम है। नाले का पानी रास्ते पर बहता रहता है। लोग पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कई बार नेताजी से जनता ने गुहार भी लगाई, लेकिन उनकी गुहार नेताजी के कानों तक नहीं पहुंची। एक तो चापाकल है, थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, बहुत पानी का दिक्कत है। सरकार से गुजारिश है जो हम लोग को चापाकल और डेरेन ये सब बना दे। बरसात में एक हाथ उगर के पानी हो जाता है, घर में भी पानी घुस जाता है। हमारे यहाँ 300-400 आदमी रहते हैं, चापाकल एक ही है, झगड़ा होता है, मारपीट होता है। हम लोग का पानी का दिक्कत है, 1 किलोमीटर दूर में जाने पड़ता है हाईवे में पानी लाने के लिए। नेता लोग आते हैं, बोलते हैं जब वोट का टाइम में आते हैं, हाँ आपको समस्या है आपको कर देंगे। वोट के बाद जब वोट हो जाते हैं उसके बाद पता नहीं रहता है किसी नेता का। हम लोग तो मांग यही करते हैं कि एक तो चापाकल हो, नाला का व्यवस्था हो, शौचालय नहीं है, शौचालय का व्यवस्था हो। आते वोट का टाइम में आज कर देंगे, कल कर देंगे, फिर आगे साल कर देंगे, इस करते मतलब 6 महीने में कर देंगे, नहीं करता कोई। हमने चंदननगर इलाके की पड़ताल की और जाना कि एक तरफ रोशनी से सराबोर चंदननगर की पहचान लाइट्स बाजार में आज चाइनीज लाइट्स के साथ जद्दोजहद कर रही है। वहीं एक बस्ती ऐसी भी है जो उजाले के इंतजार में है और नेताजी सत्ता की चकाचौंध में खोए हुए हैं। ऐसे में इस बस्ती से अंधेरा कब छटेगा ये किसी को नहीं पता। सूर्य समाचार के लिए चंदननगर विधानसभा से मनोज पांडे की रिपोर्ट।